नमस्कार मित्रों, मैं देवेश पंडा, ज्योति सचार। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सितंबर 2019 मेष राशि वाले जातकों का भविष्य कैसा रहेगा। तो कृपया मेष राशि वाले इधर ध्यान दें। इससे पहले मित्रों, मेरा एक प्रेम भरा आपसे निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं कंटिन्यूसली वीडियो डाल रहा हूँ मित्रों, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, हो सके तो शेयर भी करें, जिससे अन्य लोगों के भी काम आए मित्रों। और बेल आइकोन का बटन प्रेस कर दें मित्रों, जिससे आपको मेरे वीडियो समय पर जल्दी मिल पाए। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, मेष राशि का भविष्य सितंबर 2019। मित्रों, मेष राशि के पंचम भाव में सूर्य मंगल बुध तथा शुक्र ग्रहों का योग बनने के कारण थोड़ा सा परिश्रम और पराक्रम में उन्नति के योग दिख रहे हैं मित्रों। तो इससे मित्रों ऐसा संयोग बनने वाला है कि आपका थोड़ा सा परिश्रम में बढ़ोतरी होगी, आपको कहीं ना कहीं हार्डवर्क करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, साथ में आपके उन्नति के योग के भी अवसर आपको मिलने वाले हैं इस महीने मित्रों। तो ये एक अच्छी खबर है मेष राशि वाले लोगों के लिए। आर्थिक रूप से ये महीना इनके लिए अच्छा जाने वाला है मित्रों, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है मित्रों, अतः अपने आप सहज भाव बनाए रखें, वाद विवाद की स्थिति पैदा ना होने दें, अन्यथा प्यार में ब्रेक हो सकता है मित्रों। यदि आपकी लव मैरिज योग बन रहे हैं और लव मैरिज की बातें चल रही है तो उसमें भी सावधानी रखें, अन्यथा ब्रेक होने के चांसेस खूब बन सकते हैं मित्रों इस महीना। वैसे परिवार में शुभ एवं मंगल कार्य के योग भी दिख रहे हैं मित्रों, तो हो सकता है आपके परिवार में कोई अच्छा शुभ मंगल कार्य हो, किसी की शादी हो सकती है या कोई संतान उत्पत्ति हो सकती है या कोई ना कोई अच्छा कार्यक्रम होने के योग दिख रहे हैं। थोड़ा सा संतान संबंधी चिंताएं बनी रहेगी मित्रों इस मंथ में राशि वाले लोगों के लिए, तो ध्यान देने योग्य मित्रों। मैंने एक चीजों पे और सावधानी रखने की चाहिए मित्रों आप लोगों को, गुप्त शत्रुओं से आप लोगों को परेशानियां बन सकती है मित्रों, जिनको आप जानते हो अज्ञात रूप से कुछ आपके शत्रु होंगे जो आपको इस समय नुकसान पहुंचा सकते हैं। घर का वातावरण सामान्य रहेगा मित्रों, वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, आप थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे इस महीना तो वाद विवाद की स्थिति बनेगी भी तो समाप्त हो जाएगी मित्रों। स्वास्थ्य ठीक रहेगा मित्रों, आप लोगों के लिए उपाय है कि हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करें मित्रों, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी मित्रों और आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद मित्रों, जय माता दी।